हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। जल्द शादी करने वाले हैं रणबीर। रणबीर कपूर फॉक्स स्टार हिंदी के ट्विटर हैंडल से फैंस के साथ जुड़े। इस दौरान एक यूजर ने उनसे शादी के बारे में सवाल किया। लिखा, रणबीर आप शादी कब करेंगे? इस पर जवाब देते हुए एक्टर ने कहा, आशा है बहुत जल्द। दीपिका रणबीर शादी से पहले खाएंगे 7 कस्में। रणबीर दीपिका इटली में शादी करने से पहले मानेवर का एड शूट भी करेंगे। इस खास मौके को एड वर्ड भी बुनाना चाहता है। इस एड में अनुष्का और विराट शादी की 7 कस्में खाते हुए नजर आए थे। चीनी राष्ट्रपति को पसंद है दंगल। फिल्म दंगल ना सिर्फ चीन की आम जनता को पसंद आई बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भा गई है। शी जिनपिंग ने आमिर खान की फिल्म दंगल को एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। इशा को मिली एमबीए की डिग्री। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा को एमबीए की डिग्री मिल गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के दीक्षांत समारोह में ईशा को एमबीए की डिग्री दी गई। ईशा येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज में ग्रेजुएट है। अनुष्का के समर्थन में किरण रिजिजू। कार से कचरा फेंकने वाले शख्स की मां द्वारा अनुष्का को फटकारने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि विराट अनुष्का को स्वच्छता के नाम पर पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। इनक्रेडिबल 2 का जबरदस्त कलेक्शन। फिल्म इनक्रेडिबल्स 2 ने अमेरिका में रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड कमाई करते हुए एनिमेशन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टाइगर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म। टाइगर श्रॉफ को लेकर रैम्बो नामक फिल्म बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन उसके बाद कोई हलचल नहीं सुनाई दी। अब ये फिल्म 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग 2019 से शुरू हो जाएगी। लंदन में शॉपिंग कर रही है कंगना। कंगना रनौत फिल्म मेंटल है क्या की शूटिंग के लिए लंदन में मौजूद है। वो लंदन की सड़कों पर इठलाती नजर आ रही है। कंगना कॉस्ट्यूम डिजाइनर शीतल शर्मा संग लंदन में शॉपिंग राउंड पर नजर आ रही है। रणबीर ने दिया सलमान को जवाब। फिल्म संजू पर सलमान खान का कहना था कि फिल्म का आखिरी हिस्सा खुद संजय दत्त को करना चाहिए था। इस पर रणबीर ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स ने अपनी बायोपिक में काम किया हो। ऐसा करने से कैरेक्टर का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मिस इंडिया शो पर करीना के जलवे। करीना ने करीब 2 साल के गैप के बाद स्टेज पर कमबैक किया। उन्होंने अपने कुछ हिट गानों पर लाइव परफॉर्मेंस दी। इस खास दिन से पहले सितारों ने खुद को फिट रखने के लिए जिम में काफी मेहनत की। अनुकृति बनी मिस इंडिया। मिस इंडिया 2018 का खिताब तमिलनाडु की अनुकृति वास ने अपने नाम किया। अनुकृति ने 29 प्रतियोगियों को हराकर इस खिताब को जीता। देर रात तक चली इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लन ने अनुकृति को ताज पहनाया। इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर ईद। शो के सेट पर सभी ने ईद मनाई। सेट पर सभी मेंबर को मिठाई खिलाई गई और साथ में बिरयानी और शीर खुरमा भी खिलाया गया। शॉट से पहले टेंशन में दिया मिर्जा। दिया मिर्जा फिल्म संजू में मान्यता दत्त का रोल निभा रही है। दिया कहती है, फिल्म का फर्स्ट शॉट मेरे साथ लिया गया। 6 साल के बाद मैंने कैमरा फेस किया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। हाई फीवर के सेट पर नेहा। मेलोडियस सिंगर नेहा कक्कड़ और यारिया मूवी के एक्टर हिमांश कोहली हाई फीवर डांस का नया तेवर के सेट पर मस्ती करते नजर आए। नेहा और हिमांश को कंटेस्टेंट्स की दोस्ती स्पेशल हाई फीवर परफॉर्मेंस को जज करते देखा गया। श्वेता चौधरी बनी मिस अर्थ। 2017 में मिसेज इंडिया अर्थ का टाइटल जीतने के बाद श्वेता लॉस वेगास में हुए मिसेज अर्थ 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 2 पॉपुलर टाइटल मिसेज अर्थ पीपल्स चॉइस क्वीन ऑफ क्वींस और मिसेज यूनिवर्स की विजेता बनी। बारिश भी नहीं रोक पाई 42 की शूटिंग। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में बिजी है। मुंबई में फिल्म के सीन शूट किए जा रहे हैं जहां रुक रुक कर दिन भर बारिश हो रही है। ये फिल्म 23 नवंबर को रिलीज हो रही है। हमेशा भाभी जी नहीं बनेंगी शुभांगी। शुभांगी ने कहा, बीच पर मैं साड़ी या सलवार कमीज तो नहीं पहन सकती। मैं फिट हूँ और मैं स्विम सूट पहन सकती हूँ। अगर कैरेक्टर की डिमांड हो तो मुझे ऑन स्क्रीन भी बिकनी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान योगा करती एक्ट्रेस लारा दत्ता ने अपने प्रेगनेंसी टाइम में योग करके महिलाओं को इसके लिए जागरूक किया। सोहाली खान ने भी खुद को फिट और फ्रेश रखने के लिए गर्भावस्था के दौरान योग ज्वाइन किया। खुद को एकदम फिट रखने के लिए करीना ने अपनी एक्सरसाइज जारी रखी। वापसी कर रहे हैं सोनू निगम। सोनू निगम 4 साल बाद एक बार फिर अपना म्यूजिक एल्बम लेकर आ रहे हैं। एल्बम चाहतों के साए में के वीडियो में एक गूंगे लड़के और लड़की के बीच की केमिस्ट्री दिखाई गई है।
मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।